टुडे वी आर लर्निंग कंप्यूटर शॉर्टकट, मोस्ट ऑफली यूजफुल शॉर्टकट की इन द कंप्यूटर। कंट्रोल प्लस ए, प्रेस कंट्रोल ए ऑन योर कीबोर्ड टू द सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। जैसे कि हमें कंट्रोल बटन दबाना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है, पूरा सेक्शन जो सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल बी, उसके बाद की प्रेस कंट्रोल बी बोल्ड टेक्स्ट। जैसे कि हमें ये टेक्स्ट कंप्यूटर बोल्ड करना है, यहाँ से हम सी दबाएंगे और कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये कैरेक्टर बोल्ड होगा। किसी भी टेक्स्ट को हम कॉपी करना हो तो कंट्रोल सी। जैसे कि ये कंप्यूटर है, स्किप दबा के पहले सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्लस सी, इसको यूज के बाद कर लेते हैं कंट्रोल वी। ओके, जैसे ये है इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कंट्रोल वी। ओके, उसके बाद की है कंट्रोल एफ, फाइंड द टेक्स्ट। इसलिए हमें कोई चीज फाइंड करनी है, कंट्रोल एफ दबा के यहाँ पे लिखते हैं द। उसके बाद की आती है गो टू टेक्स्ट लाइन। जैसे कि कोई टेक्स्ट लाइन में जाना चाहे तो यहाँ पे इसे मुझे चाहिए दूसरी लाइन में जाना, कंट्रोल प्लस जी दबा के और यहाँ पे लाइन का नंबर डाल दीजिए, तीसरी लाइन में जाना है तो तीसरी डालिए और यहाँ से गो टू पर क्लिक कीजिए तो जो हमारा एरो है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद की है कंट्रोल एच, रिप्लेस द टेक्स्ट। यहाँ पे यू भी है, यहाँ पे फाइंड कीजिए, यू भी आया, उसका करना है युवराज रिप्लेस जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं युवराज। कंट्रोल प्लस के, प्रेस द कंट्रोल प्लस की यूजिंग टू हाइपरलिंक। जो कोई भी, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट की लिंक बनानी है, जैसे कि ये कंप्यूटर, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कोई भी फाइल को आप अटैच कर सकते हैं। जैसे हाइपरलिंक बनानी है तो इसको हम अटैच कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये ब्लू रंग का कलर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल न्यू। जैसे भी कि हमारी ये फाइल है तो उसमें नई फाइल बनानी हो तो यहाँ पे फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से न्यू ले सकते हैं। अगर हम शॉर्टकट की इससे यूज करेंगे कंट्रोल एन, यहाँ पे न्यू फाइल जनरेट हो जाती है। कंट्रोल प्लस ओ, प्रेस फाइल ओपन करने के लिए। यहाँ पर ये है कंट्रोल प्रेस ओ, यहाँ पे इंग्लिश ओपन करते हैं तो यहाँ फाइल ओपन हो सकती है। यहाँ पर फाइल ओपन हुई, इसको हम क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल पी, कोई भी चीज़ को हम प्रिंट करना है, ये डॉक्यूमेंट को हमको प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी, ये प्रिंट व्यू आ गया। कंट्रोल एस, कोई भी फाइल हमें सेव करने के लिए होती है, जैसे कि ये है, यहाँ से कंट्रोल एस दबाएंगे तो डायलॉग बॉक्स होगा यहाँ पे। कंप्यूटर से सेव करते तो सेव हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे फाइल का नाम आ गया है। कंट्रोल वी,
पेस्ट द टेक्स्ट, जैसे भी ये इसको कॉपी कर लेते हैं पहले इस लाइन को, कंट्रोल प्लस सी कॉपी होता है और यहाँ पे पेस्ट करना होता है, यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी क्लिक करेंगे तो पेस्ट करेंगे टेक्स्ट को, कंट्रोल एक्स कट, हमें ये टेक्स्ट नहीं चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल एक्स दबाइए, ये कंट्रोल एक्स है जिससे हम कट कर सकते हैं, ये चीज़ है यहाँ पे आ गई है तो यहाँ पे कट करना है, यहाँ पे मेरे को प्रोग्राम नहीं चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ से कंट्रोल सिलेक्ट किए फिर कंट्रोल एक्स दबाइए, तो यहाँ पे मशीन के बाद चाहिए कंट्रोल वी दबाइए, इसको यहाँ पे भी चाहिए कंट्रोल वी दबाइए, उसके आगे नेक्स्ट की आती है कंट्रोल जे अंडू, जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम्स नहीं चाहिए तो कंट्रोल प्लस जे दबाते हैं तो यहाँ से चले जाएंगे, जो हम एक्शन कर चुके हैं वो रिवर्स हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।